हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक न्यू पासपोर्ट कैसे बनाएंगे, वो भी नया तरीका दोस्तों बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी साइबर कैफ़े की जाने की आवश्यकता ना पड़े। आईडी बहुत आसान तरीके से आप जनरेट कर लेंगे और आपको इस पेज का वैसे ही डायरेक्टली लिंक दे देंगे, passportindia.gov.in। इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पर आने के बाद आपको पहले एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन तैयार कर लेना है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप दोस्तों क्लिक करते हो, आपको नेक्स्ट पे इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपके एरिया का पासपोर्ट ऑफिस है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चलिए, हमारा लखनऊ है तो लखनऊ चूज कर लेंगे। लखनऊ चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इसमें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सरनेम आपको लास्ट नेम मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है आप मेंशन कर सकते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपको ईमेल आईडी आपको अपनी मेंशन कर लेनी है, जो आपके पास एक्टिवेटेड होना चाहिए, अपने मोबाइल में एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी आप रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ईमेल आईडी लॉगिन आईडी दोनों सेम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपको रखने के लिए आपका यहाँ पर बताया गया है पासवर्ड की पॉलिसी। आपको बता दें कि 8 कैरेक्टर का बीच होना चाहिए, पहला कैपिटल बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका यहाँ पे 4 कैरेक्टर होने चाहिए, मिक्स कंटेंट होने चाहिए, जैसे कि कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, @1234। आपको 8 कैरेक्टर के बीच रखना है। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे अगेन आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंट ऑफ क्वेश्चन चूज कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। भविष्य में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो हिंट ऑफ आंसर का दे करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके जो मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगी और साथ में लिंक भी जाएगा। उस लिंक को ओपन करना है। आपको मेल आईडी भी भेज दी गई हो, कभी कभी होता है लॉन्ग टाइम भी लग जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही मेल पे आपको लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक को ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी मांगी जाती है, अपनी ईमेल आईडी डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो हमने आईडी पहले से तैयार कर ली हुई है। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म पासपोर्ट को फिल करना है। तो होम पे क्लिक करना है। जैसे ही होम पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपको अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक अगेन आपको इसको कट मार कर लेना है। उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका लॉगिन आईडी है वो आप लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। जो भी हमने पासवर्ड बना रखा था उस अपने अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड को फिल करना है। चलिए हम अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स तो हो रहा है, कैप्चर्स को आपको क्या करना है, सॉरी सावधानी से फिल कर लेना। चलिए हम यहाँ पे सावधानी से फिल कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस पॉइंट में आना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर अगला नेक्स्ट पेज इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पासपोर्ट टाइप आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट में आपको पासपोर्ट नया है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। अगर री इशू करना चाहते हैं तो आपको री इशू पे, अगर आपका पासपोर्ट पहले का बना है उसे री इशू करना चाहते हैं तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम नया पासपोर्ट फिल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ अप्लीकेशन, आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या तत्काल। तो नॉर्मल पासपोर्ट में जैसे आपको बता दें कि आपकी जो फीस होती है 1500 रुपये फीस लगती है। अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में टोटल 3500 रुपये आपके खर्च जाएंगे। यहाँ पर आपको अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो केवल आपका 1500 रुपये में आपका पासपोर्ट अप्लाई करके अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बुकलेट टाइप में आपको यहाँ पर 36 पेज का पेज बुकलेट चाहते हैं या आप 60 पेज का अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 36 पेज का चाहिए, मुझे 36 पेज का ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल आपको मेंशन करना है। एप्लीकेंट डिटेल में आपको यहाँ पे गिवन नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम मेंशन करेंगे।
उसके बाद इसमें आपको सरनेम मेंशन करना है, उसके बाद आपको जो भी आपका जेंडर है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जेंडर मेंशन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवरी बीन नो बाई अदर नेम, आपको अदर नेम से जाना जाता है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा हैव एवरी चेंज नेम, आपका नाम कभी भी चेंज हुआ है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट में या मार्कशीट में दी गई है आपने मार्कशीट या डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जब भी आप पासपोर्ट का फॉर्म फिल करिएगा अपने डॉक्यूमेंट को एक करके रखिएगा, एक सेम रखिएगा, जिससे कि आपका नाम अगर आपका आदित्य है तो आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट है, जो भी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक पासबुक है सेम होना चाहिए। आपकी एक भी पॉइंट अगर गलत होता है तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ तक कि स्पेस में भी गलती होती है तो ऐसी स्थिति में आपको रिटर्न कर दिया जाता है, आपको करेक्शन करके फिर अगेन आपको अपॉइंटमेंट बुक करके आपको पासपोर्ट और भी विजिट करना होता है। तो दोस्तों हम बता दें, जब भी आप फिल करिएगा आप सेम फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जहाँ पर आपका प्लेस हुआ है आप बर्थ लिख देंगे, या आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, सिंगल या मैरिड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे आपको पत्नी का नाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप सिंगल है, आपकी मैरिज नहीं हुई। अगर आप मैरिज सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी पति का नाम अगले पेज पे देना होगा। तो यहाँ पर आप मैरिड हूँ इसलिए मैरिज सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी कैंडिडेट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जब भी आप पासपोर्ट फॉर्म फिल करिएगा कम से कम आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका अगर आपके पास हाई स्कूल पढ़ाई कर चुके हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, और उसके साथ में आधार कार्ड हो, और साथ में आपका बैंक पासबुक। इसके अकॉर्डिंग अगर जो भी डॉक्यूमेंट अलग से आप अटैच करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, जब भी आप फिल करिएगा कम से कम 3 ही डॉक्यूमेंट लगाइए, अधिक डॉक्यूमेंट लगाएंगे वेरिफिकेशन में आपको अगर हो सकता है आप मिस किए हों कोई स्पेलिंग तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको कम से कम वहाँ पे विजिट करना है जिससे आपका काम चल जाए। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है, मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेड मार्किंग है वही कंपलसरी है और सब बाकी छोड़ सकते हैं। तो वोटर आईडी आपके पास अवेलेबल है, मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, आप एम्प्लॉयमेंट टाइप है गवर्नमेंट है या स्टडी बॉडी है या प्राइवेट है या होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉय है, अदर है, PSU है, यहाँ पे रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, इज आइदर ऑफ योर पेरेंट माइनर स्पोम है गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस आपके जो फैमिली है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पूछी जाती है, अगर आप ग्रेजुएशन एंड अबव के रखें तो वो सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे 10th एंड जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 10th पास एंड एबव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, अगर 10th जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों अगर आप 10th पास एंड एबव सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक मार के आके आ जाएगा कि ECR कैटेगरी का आपका यस पे क्लिक किए हैं आप, यह आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 7th पास या और लेस देन अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में लेस अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन आपको अगली बार कराना होगा। तो चलिए हमारा नहीं कराना है क्योंकि हम हाई स्कूल कंप्लीट कर रखे हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बॉडी में कोई मार्क है जो भी विजिबल है और मार्क है तो आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नौ लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी है, भले ही यहाँ पे रेड मार्क नहीं दे रखा है लेकिन आधार नंबर आपको डाल करके उसके बाद टर्म एंड कंडीशन कर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप इसको अगर आपने आपकी डिटेल सब कुछ सही है तो सेव माय डिटेल पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, कभी भी आप जब भी फॉर्म पासपोर्ट फॉर्म फिल करिएगा सेव माय डिटेल पे क्लिक करके एक बार पहले सेव करिएगा, नहीं तो आपका जो भी डिटेल आप सेव किए अगेन आपको फिल करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल आपकी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे फादर या लीगल गार्जियन नेम, आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम आपको मेंशन करना है फादर का। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पे सरनेम छोड़ सकते हैं ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम आपको फिल करना है, आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम मदर का एक साथ, और अगर सेम नेम माता का है आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लीगल जो गार्जियन है अगेन आपको फिल कर लेना है, उसके बाद सरनेम लीगल गार्जियन का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी पत्नी या पति है आपको यहाँ पे मेंशन करना है फर्स्ट नेम मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सरनेम। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव माय डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है, इज योर पेरेंट एड्रेस एन इंडियन, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। क्या आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे स्टेट इंडिया का नहीं मिलेगा, सिटी और स्टेट आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाउस नंबर आपको फिल करना है, इसमें अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे फिर विलेज एंड टाउन इसमें या सिटी इनमें से कोई एक मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस जो भी पुलिस स्टेशन है थाना है वो आपको आ जाते हैं, आपको थाना यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, थाना बहुत ही केयरफुली से फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप थाना गलत भर देते हो तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पासपोर्ट हेड ऑफिस पर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो थाना है प्रॉपर फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एरिया का जो भी पिन कोड है पिन कोड लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास जो भी मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मेंशन कर लेना है इस बॉक्स में। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको आना है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको नाम फादर का नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपको एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, अगेन आप अपने वही नंबर मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं तो यह दर्ज करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेलीफोन और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, छोड़ना लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आईडी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल आपसे पूछा जाता है। अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो डिटेल अवेलेबल पे क्लिक करके आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है लेकिन अभी इशू नहीं हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद अदर डिटेल आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अगर आपके ऊपर केस है या आपका भी केस चल रहा है अभी समाप्त नहीं हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ करके आप देख सकते हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन दी एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग कोई भी केस पेंडिंग है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम बता दें मेरे अकॉर्डिंग कोई भी केसेस नहीं है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उससे आगे आपसे पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन द एप्लीकेंट हैज बीन कन्वेंट बाई कोर्ट इन इंडिया, कोर्ट इन इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी केसेज है इनके अकॉर्डिंग, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर यस करेंगे तो उनकी डिटेल भी आपको देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से आप देख सकते हैं चौथे तीसरे नंबर पर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज डिनाइड आ पासपोर्ट, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने कभी डिनाई किया है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हमारा नो सब में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल एप्लीकेंट ग्रांटेड टू फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग फॉरन सिटीजनशिप आपने ले रखा तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल कर लेना है। वहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जब भी आप यहाँ पर जो भी पॉइंट आप सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे मेरे केस में कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो सभी यहाँ पे सभी लोग आपको यहाँ पे जितने भी पासपोर्ट धारक हैं सभी नो करते चले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो भी पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है ये पॉइंट आपसे स्पष्ट या क्रिमिनल रिकॉर्ड और फॉरेन का जो सिटीजनशिप होता है ये सब के लिए बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंडिया में रह रहे हो तो आप फॉरेन का सिटीजनशिप ले लेंगे या क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास है, कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे सभी केसेस में नो कर दिया, आप भी नो कर सकते हैं आपके अगर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे पासपोर्ट
इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने एक एक पॉइंट को डिटेल्स को मिला सकते हैं। क्लिप मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे आएंगे। आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में DOB के प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर। चलिए हम यहाँ पे मार्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर स्कूल एंड लिविंग मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट इशू एंड स्कूल यहाँ पर लास्ट अटेंडेंस रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग मिली है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप प्रूफ आप प्रेसिडेंट के एड्रेस के प्रूफ में देना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी लिस्टेड दी गई है, आप जो भी लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तब। तो यहाँ पर चलिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सेव माई डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों अगर सेव माई डिटेल पर नहीं क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। फिर आप दोबारा से अगर बैक बाय चांस बैक हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपका डाटा सेव नहीं दिखाएगा, दोबारा से आपको अगेन फिल करना पड़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जैसे कि जो भी आपका फॉर्म है आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है आप मैच करवा लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी इसकी फ़ीस है 1500 रुपये की फ़ीस पटानी पड़ेगी। फीस के साथ साथ यहाँ पर आपको जहाँ पर आप पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं पासपोर्ट की लिस्ट खुल जाती है, आप उस लिस्ट को चूज कर लेंगे। लिस्ट को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना होता है। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्लॉट दिखाया जाता है जिससे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइमिंग हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं इस तारीख में, उस तारीख को सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं टाइमिंग पूछते हैं कि सर टाइमिंग नहीं पता चल रही है। टाइमिंग दोस्तों जो जिस दिन स्लॉट बुक होता है सिर्फ स्लॉट को दिन आप बुक कर सकते हो, टाइमिंग इसमें नहीं बताया जाता। टाइमिंग उनके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग जो सीट खाली रहेगी उस सीट में आपको शिफ्ट कर देंगे, 2 बजे 4 बजे जो भी टाइमिंग होगी उनके अकॉर्डिंग की जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ अलग चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है एक बार चूज कर लेना। लेकिन दोस्तों 3 बार यह पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो करेक्शन का चार्ज है, जो करेक्शन है जैसे कि आपने एक स्लॉट बुक कर लिया वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो दूसरे आप स्लॉट बुक करके वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट पासपोर्ट करा करके आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 3 बार आपको चांसेस दिए जाते हैं जिससे कि आपका पासपोर्ट बन जाए। अगर किसी वक्त तीनों आप चांसेस खो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करिए, उसका भी सलूशन बता दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।